बस नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? भगवान से मनाते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कृष्णा रिंकी ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज है दोस्तों बृहस्पतिवार। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर बन रहा है निमकी और अभी समय हो रहा है दोस्तों 12 बज रहा है दोपहर का। तो अभी यहाँ पे पापा निमकी बेल रहे हैं और निमकी अभी हम लोग काट रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। और निमकी छान भी चुके हैं थोड़ा सा निमकी, आप देख सकते हैं यहाँ भी निमकी है और यहाँ भी है। और भैया इधर निमकी छान रहे हैं। और अभी थोड़ा सा दोस्तों हमको नहाना है और नहाने के बाद थोड़ा सा जाएंगे नारायणपुर, और नारायणपुर से आने के बाद फिर मिलते हैं दोस्तों। 1 बजने वाला है दोस्तों और हम नारायणपुर से आ चुके हैं घर। और अभी कुछ देर के बाद हम लोग सामान का तैयारी हो चुका है और 2:30 बजे के लगभग में हम लोग निकलेंगे हटिया। तो दोस्तों अब आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हटिया से घर और अभी समय हो रहा है 7:00 और अभी तो चाय बन रहा है चूल्हा में, आप देख सकते हैं। और भाभी चाय बना रही है और अभी थोड़ा देर के बाद दोस्तों लिट्टी और चोखा हमारे घर में आज बनने वाला है। और ठंडा का मौसम है तो बहुत ही जबरदस्त लगता है दोस्तों खाने में। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं लिट्टी और चोखा कैसे हम लोग बनाते हैं और आज का रेसिपी रिंकी और भाभी दोनों मिल करके और बना रही है। भाभी यहाँ पे सत्तू सान के रखी है, सत्तू में क्या क्या डाले हैं? आदि मिर्ची और लहसुन और गोलकी और नमक और तेल। ठीक, तो बहुत बहुत ही स्वादिष्ट है दोस्तों। अदरक, नींबू, मिर्ची और लहसुन और आपका कच्चा सरसों का तेल और नमक, ये सारा इस सत्तू में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट, और नींबू भी डाली है। और आटा यहाँ पे रिंकी जी गोल गोल कर रही हैं और भाभी जी यहाँ पे ऐसे बना रही हैं। दिखाइए कैसे बना रहे हैं आप? ऐसे बना रहे हैं। हाँ। इसमें सत्तू डाल, और इसमें सत्तू डाल करके और इसको फिर पैक कर देती है। कैसे करते हैं? इस तरह करते हैं, पैक करते हैं। हाँ, इसको पैकिंग हो गया। आप देख सकते हैं चोखा भी तैयार है। चोखा में क्या क्या दिए हैं? चोखा में टमाटर है, आलू है और नमक है, तेल है और मिर्ची है। बैंगन वगैरह भी डाल, बैंगन वगैरह भी आप डाल सकते हैं दोस्तों। बैंगन अभी थोड़ा सा खांसी है स्वीटी को, इसीलिए हम लोग नहीं डाले हैं। तो आप देख सकते हैं लिट्टी यहाँ पे अभी चूल्हा में चढ़ा हुआ है। और ये जो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, ये हम घर में इसको बनाया है। हम लोगों के पास में नहीं है फार्म जो इसमें बनाता है, वो हमारे पास में नहीं है। तो इसको हम घर में ही बना दिए हैं इसी तरह का, और इसी से हम लोग काम चला रहे हैं। और बिल्कुल चूल्हा में लिट्टी बन रहा है और इसका तो स्वाद ही जबरदस्त है। तो बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में। तो दोस्तों लिट्टी हो चुका है तैयार, आप देख सकते हैं कितना सॉलिड लिट्टी बना है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और चोखा भी तैयार हो चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं चोखा भी बहुत टेस्टफुल है। और काला नमक और हरा मिर्ची भी यहाँ रखा हुआ है, जलजीरा और जलजीरा भी रखा हुआ है, धनिया पत्ता और प्याज भी रखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मेहनत करके और रिंकी जी और भाभी दोनों मिल करके, और लगभग 3 घंटा खटी है ये लोग, उसके बाद लिट्टी और चोखा तैयार हो चुका है। हमारा तो मुंह में पानी आ रहा है देख देख करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लिट्टी बहुत ही जबरदस्त बना है और एकदम कर्रा बना है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना सॉलिड लिट्टी है, आप देख सकते हैं। और लिट्टी बहुत ही टेस्टफुल लग रहा है देखने में। कृष्णा जी के मुंह में पानी आ रहा है, हम सोच रहे और हमको तो बिल्कुल खाने का मन कर रहा है। पहले उनको खिला देते हैं दोस्तों, तब हम कुछ करेंगे। इनको बहुत पसंद है लिट्टी और चोखा। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको कितना अच्छा लगता है और आप लोग कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं चोखा तैयार हो गया है और अब हम खाएंगे, क्योंकि अब हमसे सब्र हो नहीं रहा है, तो बहुत ही टेस्टी बना है। चलिए दोस्तों अब कृष्णा जी खा के बताएंगे कैसा टेस्ट लग रहा है। बस
सॉलिड बना है दोस्तों, सॉलिड इतना सॉलिड बना है जो क्या बता रहे। ले लो सूटी, तुम भी लो। कैसा है सूटी? बहुत अच्छा है, एकदम टेस्टी है, एकदम फुल टेस्टी। आप लोग भी दोस्तों घर में ट्राई करके देखिए, बहुत ही सॉलिड बना, और ठंडा का दिन में तो लिट्टी का जवाब ही नहीं है। तो दोस्तों आशा है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों। तो कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।